शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। जी हाँ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ कक्षा दसवीं की छात्रा कृतिका। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत स्वतंत्र हुआ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षक वर्ग और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस के महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। इस दिन भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र बन गया था, दुनिया के अन्य देशों की बराबरी पर आकर खड़ा हुआ और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और जो दूसरे देशों की दखलंदाजी से दूर है। दरअसल हिंदुस्तान पर दशकों तक ब्रिटिश हुकूमत ने शासन किया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने की तैयारी शुरू करते हुए संविधान का निर्माण किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यह वह दिन है जो हमें संविधान के मूल्यों की याद दिलाता है। राष्ट्रपथ पर भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर परेड के दिन भव्य सैन्य बल का प्रदर्शन हमें गौरवान्वित महसूस कराता है। इस महान गणतंत्र दिवस पर हम सभी को संविधान का पालन करने और उनके राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के योगदान करने की शपथ लेनी चाहिए। देशभक्तों के बलिदानों से आजाद हुए हैं। कोई कहे कौन हो तुम, तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। धन्यवाद।